नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूँ सनी गंगासागर आपके साथ में, और हमें आज लिखना पड़ रहा है सराहना पर सियासत। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य राम माधव ने छत्तीसगढ़ की राम वनगमन परिपथ योजना की तारीफ की है। उन्होंने रायपुर में हुए एक साहित्यिक कार्यक्रम में इस योजना की तारीफ की। आरएसएस नेता के द्वारा पर्यटन परिपथ की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में लिट फेस्ट सोसाइटी की ओर से दो दिवसीय साहित्य परब 2022 का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इसके शुभारंभ में संघ के पदाधिकारी और पूर्व बीजेपी नेता राम माधव सहित संघ से जुड़े हुए विभिन्न पदाधिकारी और साहित्य जगत के लोग मौजूद रहे। साहित्य और उपनिवेशक मानसिकता विषय पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राम माधव ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ प्रभु राम की भूमि है, धरोहर का जीर्णोद्धार, राम वनगमन परिपथ अच्छी बात है, चाहे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या कहीं और, लेकिन इस दिशा में निर्माण जीर्णोद्धार हो इसकी तारीफ होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ एक पावन भूमि है, भगवान श्री राम के वन गमन पथ की भूमि है, इस बात को मैं जानता था, पर अभी मेरे ध्यान में यह भी आया कि साहित्य की दृष्टि से भी एक उत्कृष्ट परंपरा की भूमि छत्तीसगढ़ रही है। जहां जब आते हैं तो बहुत होल्डिंग दिखते हैं वनगमन के पथ का, इस प्रकार पुनरुद्धार किया जा रहा है, अच्छी बात है। हमारे देश की एक जो प्राचीन धरोहर है उसका जीर्णोद्धार करना, उसका प्रयास जो चल रहा है, अच्छी बात है। इधर आरएसएस नेता राम माधव के द्वारा राम गमन परिपथ योजना की तारीफ करने के बाद कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग का दौर शुरू हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री या आरएसएस के नेता यहां आकर छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की तारीफ करते हैं तो स्थानीय बीजेपी नेताओं को बड़ी तकलीफ होती है। वही भाजपा ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा आरएसएस की आलोचना करते हैं, लेकिन जब आरएसएस के नेता तारीफ करते हैं तो उछल उछल कर क्रेडिट लेते हैं। केंद्र के नेता और आरएसएस के जो बड़े नेता आते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यों की तारीफ करते हैं तो स्थानीय भाजपा के नेताओं को बड़ी तकलीफ होती है। जिस तरह से आज आरएसएस के नेता आदरणीय राम माधव जी ने छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ की तारीफ की तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है। कभी वो आरएसएस के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, भला बुरा कहते हैं, और फिर आरएसएस से संबंधित लोगों के बयानों को आधार बनाकर अपनी तारीफ करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आरएसएस जो कहती है वो सही कहती है या नहीं? अगर सही कहती है तो उसके सभी बयानों को आधार माने। जैसा कि ये भी कहा गया है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए और राहुल गांधी जी आज उस कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। रायपुर दौरे पर आए आरएसएस नेता राम माधव ने ये भी कहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस को राजनीति छोड़ने को कहते थे, कांग्रेस को रद्द करने की कामना गांधी जी रखते थे, दूसरे गांधी उसे पूरा करने वाले हैं ऐसा लगता है। बहरहाल राजनीतिक वाद प्रतिवाद के बीच अच्छे काम की तारीफ करने का साहस स्वागत योग्य है, ये साहस सभी दलों को दिखाना चाहिए। स्वप्निल गोरखेड़े, INews 24/7 रायपुर।
तो सराहना पर सियासत हो रही है। अमूमन हम ये देखते हैं कि चाहे चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के अंदर ये बात देखने को मिलती है कि जब कोई सराहना करता है तो उसको कोई एक दल बहुत अच्छे से करता है, लेकिन दूसरा दल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं पर ही ध्यान देता है और आलोचनाओं को लेकर हमेशा वो दूसरे दल पर कटाक्ष कसता रहता है, लेकिन जब सराहना आती तो उसे स्वीकार कर लेता है, जबकि विरोध होता है तो उसमें तमाम तरह की बातें होती है। ऐसे में हमें दोनों ही बातों को लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुल मिलाकर हम अगर अच्छाई चाहते हैं तो हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए चाहते हैं और इसमें सभी का भला हो, राजनीति का यही उद्देश्य भी होना चाहिए, क्योंकि जनसेवा के लिए ही राजनीति की जाती है। ऐसे में आज का जो विषय है हमारा सराहना पर सियासत, वो इसीलिए है क्योंकि हम ये देखते हैं एक तरफ जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो वहां केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही दलों के नेता गाहे बगाहे कई बातों को लेकर, भले ही वो ऑन कैमरा ना कहे लेकिन पीछे कई बार ये बातें होती है कि भाई फला योजना अच्छी है, खुलकर वो नहीं कह पाते। कई बार हम देखते हैं कई नेता खुलकर कहते हैं लेकिन वही नेता अगर आलोचना करे तो उसे स्वीकार नहीं करते। इसी बात पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे हम करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंहदेव जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ साथ जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा अभय नारायण राय जी आप ही के पास। अगर तारीफ होती है तो आप स्वीकार करते हैं लेकिन आलोचना हो जाए तो स्वीकार नहीं करते, ऐसे में दो मापदंड भला क्यों? अभय नारायण जी, तारीफ और आलोचना की कोई बात नहीं है, कोई बात है जो अच्छा कार्य होता है, राम वनगमन बहुत तो अच्छा कार्य है, राम माधव जी ने उसकी तारीफ की, चंद्रपुरी का कौशल्या मंदिर देखने के लिए आरएसएस के प्रमुख गए, तो इसमें तारीफ होने की बात नहीं है। हम तो आरएसएस के विचारधारा के विरोधी है, जो आरएसएस की विचारधारा है फैलाओ, हर सिद्धांत को लड़ाओ, जाति से जाति को लड़ाओ, ऊंच नीच की बात करो, तो उस विचारधारा के विरोधी हिंदुस्तान में जो आरएसएस से भ्रम फैलाकर जो विचारधारा है हम उसके विरोधी है। तारीफ की बात या हमारी आलोचना की बात आलोचना करते हैं। अभय नारायण जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगा, लेकिन अनुराग सिंहदेव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग सिंहदेव जी, जिस तरह से तारीफ की गई है राम वनगमन पथ की, हम देखते हैं बीजेपी संगठन से इसको लेकर कोई खुलकर कभी तारीफ नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवाल तो उठाया जाएगा कि आपने इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया। आप भी कई बार जो योजनाएं चल रही है, कई अच्छी योजनाएं भी है, छत्तीसगढ़वाद की जब बात होती है तो छत्तीसगढ़ का नाम हर बार गर्व के साथ यहाँ के रहवासी लेते हैं, जिस तरह से तमाम चाहे हमारे कोई भी तीज त्यौहार हो उसकी बात की जाए, राजकीय गीत जो लॉन्च किया गया उसकी बात हो जाए, चाहे छत्तीसगढ़ी महातारी की बात हो, इसकी तारीफ की बजाय हम देखते हैं कि आलोचना होती है, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सड़क की बात हो या भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे हिंदुत्व की या भगवान राम के अस्तित्व का प्रश्न हो, इन सारे विषयों में बहुत स्टैंड क्लियर है हमारे, छोटे से लेकर बड़ा तक और संघ से लेकर नीचे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं तक एक सुर में बात करते हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब राम भगवान की बात आती है तो निश्चित रूप से यदि उनकी प्रशंसा हो रही है तो ये प्रशंसा वास्तव में इसका स्वागत है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रश्न उठता है कि जब ये राम के नाम पे प्रशंसा हो रही है और प्रशंसा के बाद यदि ये लोग काल नेमी के स्वरूप में और बगुला भगत के रूप में राम के अस्तित्व को कोर्ट में जाके नकार देते हो और ये कहते हो कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को राम की बात करना ये शोभा नहीं देता है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति की है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज पूरे देश भर में भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण, राम कॉरिडोर का निर्माण, ये सारी चीजें अस्तित्व में लेकर केंद्र सरकार के द्वारा व्यापक काम शुरू किया गया है। अबे जा रहा हूं आपके पास। ये छत्तीसगढ़ का जो राम वनगमन क्षेत्र आता है, जितने भी दूरी है इसपे वो क्षेत्र में भी आता है, लेकिन मैं दुर्भाग्य से आपको बताऊं कि राज्य की सरकार ने आज तक 1 किलोमीटर भी उसमें काम नहीं किया है, यानी सिर्फ ये मुंह जबानी खर्च कर।
लेकिन अनुराग जी, इसके इतर भी मेरा सवाल था कि बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए, लेकिन इसके इतर मेरा सवाल ये भी था कि हम ये देखते हैं कि राजनीति में भले ही पक्ष विपक्ष विचारधारा की लड़ाई होती रहे, लेकिन जो अच्छा हो रहा है उसे खुलकर क्या अच्छा नहीं कहना चाहिए, क्या उसमें सहयोग नहीं देना चाहिए, बशर सिर्फ इसीलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि आप विपक्ष में हैं, ये भी बात कितनी सही है? देखिए, नकारात्मक राजनीति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, लेकिन प्रश्न उठता है कि नीयत कैसी है, और इसीलिए ये जो प्रशंसा हुई है इसका तो स्वागत है, हम तो कह ही रहे हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, कोट किया स्पेशली, लेकिन हो क्या रहा है, धरातल पर क्या हो रहा है, आप ये देखें। तो हम लोगों ने तो प्रश्न उस विषय पर उठाया है कि ये कहते हैं सिर्फ करते नहीं है, इस पर प्रश्न उठाया है, और इसको कोई इसको आलोचना ना समझा जाए कि हम राम माधव जी के उस प्रशंसा से हम कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। शिवनेरिया जी तो यही कह रहे हैं, नहीं ये तो उनका अपना स्टैंड है, अब दूसरी अब यदि राम माधव जी के बयान को कोट कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा गांधी जो है वो महात्मा गांधी की इच्छा पूर्ण कर रहा है, तो उसको भी कोट करना चाहिए, अभय नारायण जी राय बैठे हुए हैं यहाँ पर, शिव डहरिया जी को भी कोट करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे वो, तो ये तो अपनी ही अपनी व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर ये चीजों को डिफाइन करते हैं, तो यदि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो इनके ऊपर भी उंगली उठती है कि उस बयान को भी ये कोट करें। चलिए, राम वनगमन परिपथ की तो बात हो गई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि प्रदेश की कौन सी वो योजनाएं थी जो कि आपको लगता है कि वाकई में इसमें काम हुआ है, और यही सवाल मैं कांग्रेस से भी पूछूंगा, लेकिन अभय नारायण जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे जी। देखिए, मैंने कहा कि आरएसएस के राम माधव जी ने आज राम वनगमन पथ की तारीफ की, और उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस खत्म हो जाए और आज के गांधी धर्म और भारतीय जनता पार्टी ये लिख ले कि गांधी नेहरू की कांग्रेस और गांधी नेहरू का ये भारत देश हमेशा रहेगा। विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस की अपनी विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, और एक बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ, जो अनुराग सिंहदेव जी और भाजपा के पूरे प्रवक्ता कहते हैं, जो झूठ बोलने की अफवाह बनाने की फैक्ट्री चला के रखे हुए हैं, कांग्रेस ने कभी एफिडेविट नहीं दिया कि राम का अस्तित्व तो नहीं है, राम सेतु का अस्तित्व तो नहीं है, वो एक सरकारी मामला था, सरकार ने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी एफिडेविट नहीं दिया। राम हमारी सांस में है, राम हमारा अस्तित्व है, राम को हम कैसे कह सकते हैं कि राम कल्पनीय है? तो ये बातें जो आरएसएस अफवाह फैला के चलाती है, लोगों को दिमाग में भरती है, 100 बार झूठ बोलो तो एक बार आदमी उसको सच मान लेता है, जिस तरह किसी धर्म के खिलाफ प्रचार करते हैं उसी तरह ये कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करते हैं, जिनको मालूम है कि आरएसएस में खात्मा कांग्रेस की विचारधारा करेगी, आरएसएस का अस्तित्व कांग्रेस खत्म करेगी, इसलिए कांग्रेस के नाम से घबराते हैं। अभय नारायण जी, थोड़ी देर के लिए अगर हम राजनीति भूल जाए और इस बात पर फोकस करें कि अगर कोई अच्छी बात हो रही है तो क्यों नहीं उसकी सराहना होनी चाहिए, क्यों उसको लेकर सियासत हो रही है, क्यों नहीं आप जो अच्छी योजनाएं उसकी सराहना करते हैं, चाहे वो विपक्ष में क्यों ना हो, चाहे वो केंद्र में क्यों ना हो, क्या केंद्र की कोई योजना आपको लगता नहीं कि बहुत अच्छी काम कर रही है या अच्छे से लोगों के बीच पहुंच पा रही है, कभी खुलकर आप इसकी तारीफ क्यों नहीं करते, सहयोग क्यों नहीं करते? कांग्रेस या भाजपा या कोई भी राजनीतिक दल इस देश में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र में वो जनता के लिए काम कर रहा है, और अगर कोई भी पार्टी, अगर मोदी जी कोई अच्छी योजना लाएंगे तो हम तारीफ करेंगे, अगर तो आपको लगता है 8 साल में कोई योजना नहीं आई है ऐसे जो आपको लगे कि ये कुछ अच्छा काम कर रही है? हमारी लड़ाई में पहले ही कहा कि आरएसएस की और भाजपा ने लड़ाई विचारधारा की है, आरएसएस की और भाजपा की लड़ाई नफरत और प्रेम फैलाने की है, हम प्रेम चाहते हैं वो नफरत चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं वो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा एक सियासी संग्राम हर बार हम देखते हैं, जब भी आरएसएस से कोई आता है किसी बात को लेकर बात होती है
और फिर विपक्ष इस बात को लेकर अपने आप को खुद ही प्रेज करता है, खुद ही अपनी तारीफ करने लगता है कि भाई देखिए खुद आरएसएस के लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, देखिए खुद इन्होंने तारीफ की है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन आत्मावलोकन करने की जरूरत दोनों ही दलों को मुझे लगता है कि करना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि कुल मिलाकर अंततः हम जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए, समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, शहर के लिए कर रहे हैं। तो क्या राजनीति कुल मिलाकर अब पक्ष और विपक्ष की बस रह गई है? सनी, जो आप कह रहे हो होना तो यही चाहिए कि गलत को गलत और सच को सच स्वीकार करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और मैं इस बात को बताऊं आपको आज कि ये आज की बात नहीं है, हमेशा से होता आया है कि अच्छे को अच्छा कहना पड़ता है। रमन सिंह की सरकार थी, मुझे अच्छे से याद है, भूपेश बघेल उस वक्त अध्यक्ष थे और वो पूरे कांग्रेस जो है वो पूरी सरकार को हवा ऐसा बनाती थी, गुब्बारा ऐसा भर देती थी उनका आरोप लगा करके। और वहां से केंद्रीय मंत्री आते थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, केंद्रीय मंत्री आते थे, रमन सिंह जी से मिलते थे और वो उनकी तारीफ करके चले आते थे, उनकी माने योजनाओं की अच्छी तारीफ करते थे, सड़क परिवहन का अच्छा काम किया था बोलते थे, पीडीएस में अच्छा काम किया बोलते थे और गुब्बारे की हवा निकाल के चले जाते। ये कोई आज नई बात थोड़ी है। लेकिन जहां तक संघ का सवाल है, मैं आप संघ को बहुत अच्छे से समझता हूं। संघ कभी भी जो है अच्छे को अच्छा भूलता है। मोहन भागवत को जो कहा गया, मोहन भागवत तक ये बात पहुंची कि भाई माता कौशल्या का यहाँ मंदिर है, राम की माता है वो, आप उस मंदिर को दर्शन करिए। तो उन्होंने बिल्कुल श्रद्धा के साथ गए वहाँ दर्शन करने, दर्शन किया और उस जगह की उस साफ सफाई की तारीफ की। तो ये तो उसके चरित्र में है संघ के, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा गोबर योजना जब लॉन्च किया छत्तीसगढ़ की सरकार ने, तो स्वयं मुख्यमंत्री से मिल करके जा करके जो है संघ के लोगों ने उसकी प्रशंसा की और बधाई दी कि आपने हमारे एजेंडे को स्वीकार किया है और अपने हमारे एजेंडे पर आपने काम करना शुरू किया, हम आपको बधाई देते हैं। तो ये संघ के चरित्र में है। देखिए विचारों व एजेंडे के हिसाब से आलोचना व प्रशंसा करनी पड़ती है। अगर आपके विचारों में समानता आती है तो आपको करना चाहिए, अगर आपके एजेंडे में कहीं बात आती है जो आपको फिट नहीं होता है तो आप आलोचना करते हैं। तो एजेंडा और विचार थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। विचारों में जहां समानता आएगी आपको कर देना चाहिए प्रशंसा, निश्चित रूप से कर देना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और जहां तक एजेंडा कोई फिक्स करके चलता है, एजेंडा एक अलग चीज होती है। आप देखिए एजेंडा मतलब छोटी सी चीज को बड़ा बना करके अपने एजेंडे पे लाके फिट करने की जो बात होती है, जबरदस्ती जिसको राजनीति करना कहते हैं उसमें होती है आलोचना। और प्रशंसा तो जो है वो विचारों में होनी चाहिए, अगर अच्छी बात है तो अच्छी बात है। सड़क परिवहन का काम बहुत बढ़िया रमन सिंह ने किया था, पीडीएस का काम अच्छा किया था, प्रशंसा हुई, हमने भी प्रशंसा की कई बार, और उसी पीडीएस को आगे बढ़ाया तो भूपेश बघेल की प्रशंसा हुई, उसकी सरकार की प्रशंसा हुई, और आज जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास की योजनाएं लाए हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, हो रही है। गोबर योजना की प्रशंसा हो रही है, 2500 रुपए देने की प्रशंसा हो रही है, कई योजनाओं की प्रशंसा हो रही है। मैं योजनाएं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन क्या है कि आप सच को सच और गलत को गलत कहने का मादा रखिए। सरकार किसी की भी हो, विपक्ष कोई भी हो, विपक्ष का धर्म मन बड़ा करने की जरूरत है, सकारात्मक सोचने की जरूरत है, सकारात्मक राजनीति करने की जरूरत है। बिल्कुल सकारात्मक राजनीति की ही जरूरत अब महसूस की जा रही है देश में। अब देश में ये छोटी छोटी बातों पे लड़ने भिड़ने का जो वक्त वो नहीं है, जनहित करने का वक्त है। जनता त्रस्त हो गई है राजनीति के दावों से, राजनीति के आरोपों से जनता त्रस्त हो गई है। यही कारण है कि आज भ्रष्टाचार का लाख आरोप लगा दीजिए किसी के ऊपर, कोई मानने को तैयार नहीं। यही कांग्रेस की सरकार है, कहते थे कि रमन सिंह जेल के पीछे जाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो अमन सिंह, रमन सिंह ये सारे जेल के पीछे जाएंगे, आलोक शुक्ला जेल के पीछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है राजनीति का विषय होती है और जनता इसको अब समझने लगी है। इसलिए जो है जनहित में आपको एक कहीं ना कहीं आप आगे जाकर के मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा, तभी जनता जो है एक नयापन महसूस करेगी, अन्यथा जो है रिपीटेशन। बिल्कुल, विचारों को उन्मुक्त रखना होगा, विचारों को अपने थोड़े ब्रॉड लेवल पर सोचना होगा, संकुचित विचारधारा से काम नहीं चलेगा। अनुराग जी, क्या एक डर होता है राजनेताओं की कि भाई हम तारीफ कर देंगे विपक्ष की तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, या ऊपर से हम पर प्रेशर आ जाएगा, या हमारे लिए ये गलत आने वाले समय में साबित हो सकता है, क्या इस तरह की कोई बात होती है क्या? देखिए सनी जी, छत्तीसगढ़ के अंदर विपक्ष में यदि बीजेपी है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड जीरो पर जमीनी विश्लेषण करती किसी भी योजना का। सैद्धांतिक रूप से ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान राम के अस्तित्व के पुनरुत्थान के लिए
एक विचार रखा गया है, एक योजना बनाई गई है, बहुत अच्छी बात है। और केंद्रीय स्तर पर भी इस पर विचार चल रहा है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन प्रश्न वहीं पर अटक जाता है कि इसमें सिर्फ ये गाल बजाने की तरकीब है या इसमें कुछ हकीकत भी है। तो ध्यान में आ रहा है, मैं तो बोला ना कि ये पहले अभय नारायण जी बताया कि कितने किलोमीटर इन्होंने बनाया वन गमन में, तो ये इनको बताना चाहिए कि हमने एक किलोमीटर बनाया। उनसे उससे भी हम सवाल ले लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि अब तक की जो योजनाएं रही है छत्तीसगढ़ शासन की, अब तक का जो कामकाज रहा है, कौन सी वो योजना है जो लगता है आपको कि वाकई में काम कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये सारी योजनाएं एक अच्छे फॉर्मेट में अच्छी निश्चित रूप से अब गौ संवर्धन से जुड़ी हुई योजना है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के एजेंडे में न्याय योजना क्या इसे माने हम? खुलकर बताइए, आप इस तरह से अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वही बात हो जाएगी विपक्ष वाली। क्या हालत है उसकी, तो आप देखेंगे गौठानों की क्या हालत है। अब गौ माता तो पूरी सड़क पर, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव एक बात होनी चाहिए ना अनुराग जी, मेरा सवाल भी यही है। प्रशंसा कर रहे हैं बिल्कुल, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्यों नहीं हम बात करते हैं? हम देखते हैं पॉलिटिशियन सिर्फ आलोचना करते हैं, क्यों नहीं उसमें जो खामियां है उसको सुधारने की दिशा में आप भी हाथ बटाते हैं, क्योंकि अंततः लोगों तक आप भी पहुंचेंगे। नहीं, प्रश्न तो वही उठा रहे हैं सनी जी, हम ये तो पक्ष को लग रहा है कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर या अनावश्यक प्रश्न उठा रहे हैं। हम तो प्रश्न वही उठा रहे हैं कि आप इन योजनाओं पर सुधार करिए, गोठान यदि बनाए हैं तो गाय जो है गोठान के अंदर रहनी चाहिए, ना कि सड़क पर रहनी चाहिए। गौ माता का अस्तित्व को आप यदि आप संवर्धन करने की ठाने हैं तो ये काम करिए। गोबर में जो आप गोबर घोटाला की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है उसको रोकिए, हम बोल रहे हैं। लेकिन अब इसको ये सकारात्मक समझते हैं या नकारात्मक समझते हैं ये इनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो बोल रहे हैं कि योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन योजनाओं का अमलीकरण में त्रुटि है जिसको बीजेपी विपक्ष के नाते उठाती है। चलिए अभय नारायण जी, गेंद आपके ही पाले में है, योजनाएं अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन अच्छा नहीं है। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, बीजेपी शासनकाल की या केंद्र की कौन सी वो योजनाएं हैं जो लगता है आपको कि वाकई में बहुत अच्छी रही है? देखिए, जनहित की जितनी योजनाएं चलती हैं, चाहे सर हम चाहेंगे आप नाम ले ले, नाम लेके बताएंगे तो शायद वो सराहना वाकई में सराहना कहलाएगी। प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, आयुष्मान की स्वास्थ्य की योजना चल रही है, पीडीएस में राज्य सरकार भी चावल दे रही है, केंद्र सरकार भी चावल दे रही है। कोरोना काल हुआ, केंद्र सरकार ने भी अपना काम किया अच्छे से, राज्य सरकार ने भी उन योजना उन कार्यों पर इम्प्लीमेंट किया। तो काम जो विकास की योजनाएं होती है वहां मतभेद नहीं होते। मतभेद कहाँ आते हैं? जब आप संविधान के ऊपर चोट करते हैं, धर्म निरपेक्ष की जगह एक धर्म की बात करने लगते हैं। आप हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतंत्र में सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, और जब आप दूसरे धर्म की आलोचना करने लगते हैं, दूसरे धर्म से नफरत की बात करने लगते हैं, तो यहाँ मतभेद आते हैं। जैसे आज राम माधव जी आए, उन्होंने एक अच्छे कार्य की सलाह ना की, तो निश्चित रूप से अच्छा कार्य नरेंद्र मोदी करे कि भूपेश बघेल करे, सराहना तो आपको अच्छे कार्य की करनी पड़ेगी। अभी बाबूलाल भैया ने कहा कि अच्छा को अच्छा और गलत को गलत बोलने का साहस हर राजनीतिक दल में होना चाहिए। आरएसएस में है, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है, आरएसएस जिस विचारधारा में काम करती है, जो धर्म का काम है, कांग्रेस का पूरा विरोध वहां होता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि वो आरएसएस के हिसाब से पूरा चल रही है, वो भी वो स्वीकार नहीं करती। राजनीति की जगह में राजनीति करती है, गलत हो गया तो आरएसएस जाने, अच्छा हो गया तो हम आरएसएस के हिसाब से काम कर रहे हैं। चलिए तो बाबूलाल जी, आपसे मेरा फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा मैं, क्या अब राजनीतिक जो लोग हैं या जो नेता हैं उनको अब राजनीति करने का जो तरीका है, जो सलीका है, उसको बदलने का वक्त आ चुका है? क्योंकि अब जनता भी स्मार्ट हो चुकी है, जनता सब कुछ समझती है, कौन से आरोप है, कौन सी तारीफ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सभी आज स्मार्टफोन के जमाने में जी रहे हैं। आपकी तरफ से मैं जानना चाहूंगा कि अब राजनीति को बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है? मैंने पहले बता दिया, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। मैं तो आज सराहना करूंगा तुम्हारा, ये डिबेट सक्सेस होगा। कैसे सक्सेस हुआ कि जो दो प्रवक्ता आज आपने तय किए हैं वो साफ बात करने वाले हैं। अनुराग भाई भी उसी तरह के हैं, अभय नारायण जी भी सच को सच कह लेते हैं। आज उन्होंने इस डिबेट में सच को सच स्वीकार किया। इतना बढ़िया डिबेट, इतना सही डिबेट मैंने अभी तक के अभी नहीं देखा कि किसी ने स्वीकार किया हो किसी की अच्छी बातों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यही भावना आनी चाहिए, इसी भावना से आगे काम करना चाहिए। और बहुत सी ऐसी चीजें आपको बता दूं कि एक बड़े अखबार में मैंने पढ़ा था अभी हाल
कि रामचंद्र जी का वनगमन पथ से जाने के बाद दोबारा आगमन यहाँ हुआ था। धमतरी के पास में वो जगह है, सिहावा नगरी के पास में, सिहावा नगरी में सप्तऋषि का आश्रम है, वहां पर वो रामचंद्र जी ब्रह्महत्या के दोष और जनहत्या के दोष से निवारण के लिए ऋषियों से मिलने आए थे। वहां भीमा कोटेश्वर एक शिवलिंग है, वहां पर उन्होंने पूजा की थी, तो उसका भी शोध होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो राम का जहां तक प्रसंग आता है, देश पूरे राम को देश मानता है, पूरा पूरे विश्व में राम के भक्त फैले हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में राम की जितनी भी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ हमारी पावन भूमि कहलाएगी इस मामले में, तो निश्चित रूप से उसका भी शोध होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हर चीज में। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस काम एक को बात आगे और जोड़ना चाहूंगा, दोनों ही दलों को मिलकर राम राज्य लाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाकर जो हमारे जो संवाद है या जो हम काम कर रहे हैं वो सार्थक हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, और ये गांधीवाद के राम राज्य की तरफ जो बढ़ रहे हैं लोग, ये एक अच्छी सराहना की बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था, लेकिन अनुराग सिंहदेव जी, अभय नारायण राय जी, बाबूलाल शर्मा जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो देश या जो राज्य है वो हम सभी का है, भले ही राजनीतिक दल अलग अलग बटे हुए हो, लेकिन कुल मिलाकर सबका उद्देश्य यही होना चाहिए, सर्वजन सुखाए, सर्वजन हिताए, तभी जाकर हम एक मजबूत राष्ट्र का, मजबूत राज्य का निर्माण कर पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में, इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।